दोस्तों 9 गेंद पर आउट हुए थे मोहम्मद रिजवान। अब दोबारा होगा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला 2020 मैच। अंपायर ने बताया यहां पर होगा पहला 2020 मुकाबला। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे सब कुछ इसी वीडियो में। उससे पहले अगर आप मोहम्मद रिजवान के जबड़ा फैन है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। दोस्तों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले 2020 मुकाबले में अंपायर द्वारा एक बड़ी गलती को अनदेखा किया गया, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान की टीम की पारी एक समय उलझी पड़ी थी और बीच मैदान पर कप्तान रिजवान आए थे, लेकिन दोस्तों अंपायर के गलत फैसले ने न सिर्फ रिजवान को आउट कराया बल्कि पाकिस्तान टीम ने पहले 2020 मुकाबले को 29 रनों से हार गई। लेकिन दोस्तों अब दूसरे 2020 मुकाबले के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के लिए मैच रेफरी ने दूसरे अंपायर का चयन कर लिया है। दोस्तों दूसरा 2020 मुकाबला 16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा, जहां पर इस मुकाबले का टॉस तो वहीं पर इस दूसरे 2020 मुकाबले की पहली गेंद दोपहर 1:30 पर फेंकी जाएगी। दोस्तों पाकिस्तान की टीम दूसरा 2020 मुकाबला जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी, तो वहीं पर अगर पाकिस्तान टीम किसी तरह यदि दूसरा मैच गंवाती है तो पाकिस्तान टीम ये दूसरा 2020 सीरीज गंवा बैठेगी। तो दोस्तों क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का दूसरा 2020 मुकाबला पाकिस्तान टीम जीत पाएगा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।